हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल योर इंडियन किचन पर। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है होममेड बटर रेसिपी। यहाँ मैं आपके साथ घर में ही बाजार जैसा बटर बनाने की सबसे आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मलाई ले लेंगे, यहाँ फ्रेश मलाई लेंगे। यहाँ मैंने 4 से 5 दिन की मलाई इकट्ठा की हुई है वो मैंने ली है और उसको बिल्कुल ठंडा कर लिया है। यहाँ जो मलाई है वो हम बिल्कुल चिल्ड मलाई लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ ठंडी मलाई डाली है और जार भी बाहर से बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब बहुत ठंडी मलाई लेनी है आपको यहाँ पे। अब हम इसको जार में डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ मैंने इसको 2 से 3 बार चलाया है और मलाई कुछ ऐसी दिख रही है। हम इसको 1-2 बार और चलाएंगे। मैंने इसको 1-2 बार और चला लिया है। आप देखेंगे अब ये प्रॉपर इसका जो पानी है वो अलग हो चुका है। इसको बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम इसको जार में से निकाल कर एक बाउल में ले लेंगे और जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हाथों से दबाकर निकाल देंगे। ये जो पानी बच रहा है हम उसे भी वेस्ट नहीं करेंगे। मैं लास्ट में आपको इसका यूज़ करना भी बताऊंगी। आप चाहें तो इसका यूज़ कढ़ी बनाने में भी कर सकते हैं। दूसरा बाउल लेंगे और बटर को उसमें रख देंगे। हम इसको ठंडे पानी से वॉश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपकी मलाई बहुत ठंडी नहीं है तो आप यहाँ ब्लेंड करते समय बर्फ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल ठंडी मलाई का यूज़ किया है और मैं इसको ठंडे पानी से ही वॉश कर रही हूँ जिससे बटर मेल्ट ना हो। अब मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने बाउल में इसको ले लिया है और इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाला है क्योंकि जो बटर का टेस्ट होता है वो थोड़ा सॉल्टी होता है। और यहाँ कलर के लिए मैं किसी भी फूड कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ हल्दी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हल्दी अपने आप में प्रिजर्वेटिव का काम करती है। फ्रेंड्स, ये जो बटर है उसमें से आपको पानी बहुत अच्छे से निकाल लेना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है हमें। अब हम दोनों चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं लास्ट में आपको इस बटर का यूज़ करके भी दिखाने वाली हूँ। ये टेस्ट में बिल्कुल बाज़ार के बटर के जैसा लगता है और बाज़ार के बटर के कंपैरिजन में ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। आप देखेंगे अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो हम इसे एक बॉक्स में भर लेंगे। यहाँ पर मैंने ढक्कन वाला बॉक्स ले लिया है। आप किसी भी बर्तन में इसको जमा सकते हैं बटर को, और मैं ये बटर को इसमें डाल दूँगी। फ्रेंड्स, ये जो बटर हम बना रहे हैं इसको हम 1 महीने तक स्टोर कर रख सकते हैं। ये बटर बाज़ार के बटर के कंपैरिजन में काफ़ी हेल्दी होता है क्योंकि बाज़ार के बटर में प्रिजर्वेटिव्स और कई प्रकार के केमिकल डले हुए होते हैं, तो उसको हम बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। बट इसको भी हम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप देखेंगे कि यह पूरा फिल हो चुका है। इसको ऊपर से बिल्कुल चिकना कर देंगे हम। इसको फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे। आप देखेंगे मैंने ठंडा करके फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं आपको इसका यूज़ करके दिखा रही हूँ। ये देखेंगे आप, बिल्कुल टेक्सचर इसका बिल्कुल बटर जैसा है। और अब मैं इसको तवे पर डाल लिया है। आप देखेंगे ये बिल्कुल बटर के जैसा लग रहा है। अब हम ऊपर से बटर डालेंगे और इसको दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। तो आप भी हमारी बटर रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप देखेंगे बहुत अच्छे से अब सिक चुका है। अब ये जो बचा हुआ पानी था, मैंने आपको बताया था कि हम आपको इसका यूज़ करके दिखाएंगे, तो हम इससे पनीर बनाएंगे क्योंकि इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। नींबू लेंगे, नींबू का रस निकाल लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इससे हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसको चलाएंगे, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये फट जाएगा और छेना अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। अब हम जो छेना है और पनीर है उसको छान लेंगे और उसको ऐसे पैक करके रख देंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे
हमारा पनीर बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लेके आते रहेंगे, तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मेरे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।